So hi everyone, welcome to my YouTube channel Stocks in News. Today we're going to talk about this company named Relaxo Footwear. Today the stock was up by almost 6% and it has given a closing of 1412 and it was up by 5.8% on closing basis. In the past 5 days, the stock has generated a return of 6.69%. The market has been under tremendous pressure in the past few days. The market has remained very volatile, but this stock has still maintained its level or zyada giravat aapko ye stock mein nazar nahi aayi hai pichle 5 dino mein. If I have to see the 1 month chart pattern, it has given a positive return of around 17%. Year to date performance for this stock is it has generated a massive return of 70.46%. If I see the maximum chart pattern, the stock has been a consistent wealth creator. अगर आप इसका chart pattern देखेंगे तो लगातार ये stock सिर्फ ऊपर ही गया है and it has generated very good returns for its shareholders. Besides this, if you analyze its chart pattern, the fall in this stock has never been extreme. मतलब इसमें जब गिरावट होती है या market का जब crash भी आया था March 2020 में, तभी भी इस stock में उस तरीके का decline, उस तरीके का fall आपको नजर नहीं आएगा. So this stock is see, every stock has its own journey. अलग ही सब stock अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं. अगर आप इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस को कंसिडर करेंगे, सो दैट रिमेंस वेरी वॉलेटाइल, बहुत जल्दी से ऊपर जाता है, बहुत जल्दी से नीचे भी आता है. अगर आप देखेंगे डिफेंसिव सेक्टर्स लाइक ब्रिटानिया, HUL, तो काफी स्लो मूविंग स्टॉक्स रहते हैं, बट ये स्लो कंसिस्टेंटली आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देते हैं और उसका एडवांटेज आप ले सकते हैं. रिलैक्सो इज ऑल्सो यूनिक इन इट्स ओन वे. ये स्टॉक ज्यादा गिरता नहीं है. मार्केट की करेक्शन में भी ये स्टॉक अगर आप देखेंगे, मार्केट रेड में भी क्लोज हो रहा है, बहुत मैसिव फॉल आया है, बट रिलैक्सो फुटवेयर इज अ कंपनी जहां पे आपको ज्यादा फॉल नजर नहीं आएगा. जैसे आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देख सकते हैं, तो दैट इज व्हाई दिस स्टॉक शुड ऑलवेज बी इन योर रडार. दिस इज अ स्टॉक वेयर यू कैन डू SIP. देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप फंडामेंटली साउंड कंपनीज को पिकअप करिए और उसमें मंथली SIPs करते जाइए. दैट विल बी लाइक अ मैनुअल SIP. मतलब आप खुद से स्टॉक सिलेक्ट करिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, जिनके फाइनेंशियल्स बैलेंस वगैरह अच्छे हैं. अगर आपको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और उनमें से एक कंपनी जिसमें आप रेगुलर SIP कर सकते हैं, वो है रिलैक्सो फुटवेयर. So before we dig into the financials of the companies, let us understand what the company does first and company ke dusre parameters, fundamental parameters kaise hain. Dekhiye, agar hum isko Relaxo Footwear ko Bata se compare karenge, to jo Bata ke products rehte hain, generally unke bade bade showrooms rehte hain, to showroom ko chalane ka unko ek cost aata hai. Mostly the shoes that you get over there, they are leather made. Lekin Relaxo Footwear is something which is a footwear jo aap keh sakte hain affordable prices pe aapko milta hai, and every small shop will have Relaxo ka footwear. So that's how big the reach of this company is. Matlab masses ke paas bhi, इनफैक्ट सबके पास ही रिलैक्सो की एक चप्पल तो होती है. व्हाई? बिकॉज़ इट इज अफोर्डेबल. सो रिलैक्सो फुटवेयर इज द लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया व्हिच डील्स इन नॉन लेदर प्रोडक्ट्स. जिसमें मैंने आपको बोला लेदर प्रोडक्ट्स में कौन सी कंपनी इंडिया में काम करती है, वो है बाटा, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है. So, इनका क्या है, नॉन लेदर के प्रोडक्ट्स है. देखिए, बाटा का आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे बहुत इंपैक्ट आया था. द रीजन बीइंग कि उनके स्टोर्स पहले चलाने के लिए उनको बहुत खर्चे लगते हैं, दूसरी बात उनके लेदर प्रोडक्ट्स थे. अगर स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहेंगी तो शूज, ऑफिस बंद रहेंगी तो शूज, चप्पल्स कोई खरीदेगा नहीं, तो उसका काफी इम्पैक्ट उनके सेल्स पे नजर आया था. बट व्हेन इट कम्स टू बाटा, ये काफी अफोर्डेबल प्राइसिंग में चीजें बनाते हैं. ज्यादा स्टोर्स बड़े तो इनके है नहीं, तो उनके इस चीजों में जो खर्चा रहता है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है. दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ रिलैक्सो फुटवेयर ओवर बाटा. बट दैट डजंट मीन दैट बाटा इज अ बैड कंपनी. आपके पास दोनों में से कोई भी कंपनी है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, दोनों ही अच्छी है. फिलहाल हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं रिलैक्सो फुटवेयर की. सो इट डील्स इन टू non-leather products like rubber, EVA slippers, canvas shoes, sports shoes, sandals, school shoes and other types of footwear. It is also the leader in value segment footwear. जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको रिलैक्सो की चप्पलें या फुटवेयर मिल जाएगा. इट हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ रेनाउंड ब्रांड्स लाइक रिलैक्सो, स्पार्क्स, फ्लाइट एंड बहामास. द कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट थ्रू रिटेलर्स, सर्व्ड थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेल आउटलेट्स, एक्सपोर्ट्स एंड ई कॉमर्स. तो ऑनलाइन भी रहता है, इनके आउटलेट्स भी हैं और एक्सपोर्ट भी करती है ये कंपनी. आपके पास रिलैक्सो का कौन सा प्रोडक्ट है वो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा. Company has established one of the largest distribution network in the footwear industry.
Its distribution network comprises of more than 50,000 retailers. Company का market cap देखिए तो 33,158 crore का market cap है, तो आपको इस mid cap की company consider कर सकते हैं. Stock का 52 rather stock का PE देखेंगे तो 114 है. तो काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि लाइक आई मेंशन्ड दिस स्टॉक डजंट फॉल मच. इट हैज बीन अ कंसिस्टेंट कंपाउंडर, स्लो एंड स्टेडी रिटर्न देता है. मार्केट के क्रैश में भी ये स्टॉक ज्यादा गिरता नहीं है. तो अगर आप कोई एक डिफेंसिव इन्वेस्टर है या आप मार्केट की गिरावट से घबराते हैं, देन यू कैन ऑलवेज कंसिडर रिलैक्सो फुटवेयर, बिकॉज इसमें उस तरीके का फॉल, मैसिव गिरावट नजर नहीं आती जो दूसरे स्टॉक्स में रहता है. तो कंपनी में सिंस ग्रोथ है, इसका स्टॉक का पीई आपको ज्यादा है दिख रहा होगा. आरओसीई आरओई वेरी कंसिस्टेंट 26% एंड 20.2% रिस्पेक्टिवली. कंपनी का फेस वैल्यू है 1. If I have to see the pros and cons, so the pros is that company is almost debt-free and company has delivered a good profit growth of 19.42% CAGR over the last 5 years. The drawbacks is that the stock is trading at 20.58 times its book value and the company has delivered a poor sales growth of 7.18% over the past 5 years. Promoter holding has decreased over the last 3 years, 3.33% se kam hui hai. So let's analyze the quarterly results of the company. Dekhe, सबसे पहले अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें तो कंपनी के सेल्स जून क्वार्टर के कंपैरिजन में एक मैसिव इंक्रीज आपको इनके सेल्स में नजर आएगा. इफ आई हैव टू कंपेयर इनका सितंबर 2020 से सितंबर 2021 ईयर ऑन ईयर, तो वहां पे भी यू विल सी अ मैसिव इंक्रीज. कंपनी के एक्सपेंसेस जो है दैट हैज ऑल्सो इंक्रीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, बट दैट इज इट इज प्रोपोर्शनेट टू द सेल्स दैट द कंपनी हैज मेड. अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, सो द प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज आल्सो इंक्रीज्ड. टैक्स लगाने के बाद यानी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. एंड सितंबर 2020 से सितंबर 2021 को कंपेयर करेंगे तो भी आपको एक अच्छा इंक्रीज प्रॉफिट में दिखेगा इनके. कंपनी का ईपीएस भी बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस. इफ आई हैव टू एनालाइज द ईयरली रिजल्ट फॉर दिस स्टॉक, द सेल्स अगेन हैव fallen from March 2020 से March 2021 में अगर हम देखेंगे तो इनके सेल्स में मामूली सी गिरावट आपको नजर आएगी. The net profit of the company, however, has increased year-on-year basis. Compounded sales growth for the past 3 years is around 7%. Compounded profit growth in 3 years is 21%. Stock CAGR in 3 years is 50%. ROE in 3 years is 19%. Company ke reserves or borrowings, if you have to analyze, so company ke borrowings, when you see, it has increased from March 2021 to September 2021. The borrowings have slightly increased, but company ke jo reserves hain, wo bhi aapko badhte hue nazar aa rahe hain. And if you analyze the reserves, they have increased year on year basis, which is very good, and compared to the reserves that the company has, borrowings are negligible. Now let's see the shareholding pattern for this stock. So the promoter, although they have reduced their stock promoter holding, just maine mention ki aapko 3.33% se kam hui hai, but still promoters still have a very healthy stake of 70.92%, which has remained constant quarter on quarter basis. FIIs on the other hand have also increased their holding. There is a slight decrease in DIIs holding. Public holding has increased in this stock, and after promoters, the next big holding is with the public. Yes, whenever the public holding is more in a stock, the stock can remain volatile, but with Relaxo Footwear, you can say that it's an exception, because this stock, you can track it yourself, that this stock doesn't fall as much as the other stocks fall when the markets correct. So in my opinion, if you are a very defensive investor, Relaxo Footwear is the stock for you. There is a news related to this company, and that was one of the reasons, besides the good quarterly results, this news has also impacted the share's stock price. This news is of 2nd November. Relaxo Footwear commissions additional capacity at Bhiwadi unit in Rajasthan. The company has commissioned additional capacity of 1.5 lakh pair per day of footwear at a unit which is located in Rajasthan. So basically what the company is trying to do is it is trying to increase its existing capacity. Matlab wo apni production capacity badhana chahte hain due to and has also been due to upgradation, capacity balancing and augmentation through increased shift of operations, improved process cycle times and addition of balancing plants and machineries. So new machines lana hai, capacity badhana hai company ko apni shift of operations increase kar rahe hain wo through shift of operations rather. Aur iska ye this will
tell you ki how visionary the company is and company kis tarike se progress kar rahi hai. Like I mentioned, company ke quarterly results bhi achhe aaye hain. This is one additional information where the company is increasing its production capacity. Like I mentioned, Relaxo footwear jo hai wo jo footwear provide karta hai wo kafi affordable rates pe provide karta hai, so it is available for the common man also. Inke jo outlets rehte hain unko chalane ke liye zyada capital nahi lagta hai. That's again a plus point. Besides this, Relaxo footwear is a company where you can do regular SIP. ज्यादा ये स्टॉक गिरता नहीं है. आप जब भी मार्केट कभी भी आपको रेड में दिखे, रिलैक्सो फुटवेयर आपको थोड़े करेक्शन में मिल रहा है, आप इसमें रेगुलर एसआईपी करते रहिए. दिस स्टॉक विल सर्व एज अ वेरी गुड कंपनी फॉर यू, अ डिफेंसिव स्टॉक एज वेल एज अ वेल्थ क्रिएटर इन द लॉन्ग टर्म. सो दिस स्टॉक पिक इज ओनली फॉर दोज पीपल हु वॉन्ट टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म. This company is for them or for some people who are very defensive in their approach when it comes to the stock market. So the next company that we'll talk about is Lakshmi Organics. So the next company is Lakshmi Organics. So today the stock was down almost 5%. And it has given a negative closing of around 434.90. In the past 5 days, the stock has generated a negative return of 4.57%. If I have to check the year-to-date performance, the stock has generated a massive return of 164.46%. Now, the stock's 52-week high is around 628. Now, see, there was the company's Q1 results were very fabulous. In fact, the company had said that although their Q1 results are very good, but there will be an impact in their Q2 results, which I will show you ahead in the video. Yes, the results have not been up to the mark. One of the biggest reasons being one of their plants in mud, there was flood problems over there because of which they couldn't function up to their full capacity. Although the plant has opened now, but that has impacted the revenue, the profit margins of the company. This the company had mentioned itself during their quarter one results. So isme jo stock mein aap giravat dekh rahe hain wo usi ka ek reflection hai. Yes, the company hasn't posted good results so far. At least for this quarter, the results have not been good. But see, what happens is, जैसे मैंने आपको mention किया कि जब से list हुई है company, इसने एक बहुत massive return, अगर year to date performance ही देखें, तो 164.46% का return बना के दिया है. So when the stock was in uptrend, rather ये तो stock ने तो बहुत सारा upper circuit भी लगाया था. There was see good results पर एक rally आई, वो तो हम समझ गए. लेकिन उसके बाद भी there was an additional rally in the stock. I will show you it that on the technical charts. So the stock had anyway become very overvalued. मार्केट को सिर्फ एक बहाना चाहिए रहता है प्रॉफिट बुकिंग का. यस, देयर रिजल्ट्स वर नॉट गुड, देयर वाज इन्फ्लेशन और राइज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स. बिसाइड्स दिस, इनके जो प्लांट्स बंद थे, सबका इंपैक्ट आप इनके रिजल्ट्स पे देख सकते हैं. तो देखिए, कोई भी स्टॉक, जैसे मैंने प्रीवियसली अपने चैनल पे इसको बहुत बार किया कवर किया है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इज अ वेरी गुड कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म. अगर आप स्मॉल कैप में, अगर कोई अच्छी केमिकल कंपनी, तत्व चिंतन अगेन इज गुड, लेकिन उससे अगर प्राइस भी जिसका छोटा हो, इफ यू लुकिंग आउट फॉर एनी कंपनी, देन वेल लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इज अ कंपनी जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है. क्योंकि क्या रहता है, जब कोई स्टॉक ऊपर जाता रहता है, देन वी ऑल वांट टू चेस इट. वाई? क्योंकि हमें फोमो होता है, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट रैली. तो वी ट्राई टू चेस द स्टॉक, हायर वैल्यूएशंस पे स्टॉक को ले लेते हैं. फिर जब आप उसको स्टॉक को महंगा ले लेते हैं, स्टॉक जब वहां से गिरता है, देन आप यू फील ट्रैप्ड एंड यू स्टार्ट ब्लेमिंग की अरे सही कंपनी में पैसा नहीं लगा. बट इट इज नॉट दैट, इट इज दैट कि आपने उसको सही प्राइस पे बाय नहीं किया है. हम टेक्निकल्स पे देखते हैं किस लेवल्स पे आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को बाय कर सकते हैं और कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं. सो ये कंपनी का वन डे का चार्ट पैटर्न है. इफ यू सी नाउ व्हाट इज वन डे चार्ट पैटर्न, वन डे चार्ट पैटर्न इज दैट वन कैंडल रिप्रेजेंट्स द opening price, closing price, high and low for that particular day. So that is what I mean when I say it is one day ka chart pattern. So agar iske chart pattern ko aap analyze karenge to lagatar yahan par jo consolidation is stock ne dikhaya tha, fir ye level se jo 210 के लेवल से जो स्टॉक ने, आप ऐसा कह सकते हैं, जो रैली दी है, इट वेंट अबव 600. सो दैट वाज अ ह्यूज रैली. देयर वाज लॉट ऑफ न्यूज फैक्टर्ड इन व्हेन इट केम टू दिस स्टॉक. इनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे, तो उसकी वजह से आपने एक रैली देखी. तो लगातार ये स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद में कंसिस्टेंटली ये स्टॉक ने फिर लोअर सर्किट देकर ये स्टॉक नीचे आया, थोड़ा सा रेंज बाउंड रहा. एंड इन द पास्ट फ्यू डेज वी हैव सीन ये स्टॉक लगातार नीचे आया है. दिस वॉज वेन द मार्केट वॉज शोइंग करेक्शन ऑल्सो. वी हैड सीन हैवी करेक्शन इन स्मॉल कैप, मिड कैप्स. इनफैक्ट द एंटायर केमिकल सेक्टर वॉज डाउन बिकॉज ऑफ द वरीज ऑफ इन्फ्लेशन, राइज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट्स. एंड सेम थिंग हैड हैपेंड विद लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स. इन द पास्ट फ्यू डेज द स्टॉक हैज बीन रेंज बाउंड, एक साइडवेज
जोन में ये ट्रेंड कर रहा है ये स्टॉक, लेकिन आज इसने फिर से एक लोअर सर्किट लगा दिया है 5% का। सो तो इसका जो अगला लेवल जो आप देख सकते हैं दैट कम्स एट अराउंड 400। सो 400 थ्रू 390 कैन सर्व एज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल फॉर अ स्टॉक। यदि कभी भी आप स्टॉक में कोई अच्छी कंपनी भी है, यू टू बाय इट एट द राइट लेवल। लाइक आई मेंशन, 400 टू 390 इज द सपोर्ट जोन। ये लेवल के आसपास कभी भी आपको स्टॉक मिले, देन यू ट्राई टू बाय। अगर आप बीच में कहीं पर भी स्टॉक को बाय करेंगे ना, सो आपको बहुत पेशेंस दिखाना पड़ेगा। कभी कभार बाय लक या बाय चांस हो सकता है वहां से स्टॉक प्राइस और भी ऊपर चला जाए, आपको बहुत प्रॉफिट हो जाए, बट दैट इज लक, दैट इज ओनली चांस। दीज आर सी, ये जो भी टेक्निकल लेवल्स मैं आपको देती हूँ या आप कहीं से भी और भी या खुद से फिगर आउट भी करते हैं, दीज आर अप्रोक्सीमेट टेंटेटिव लेवल्स। जरूरी नहीं है स्टॉक ये स्टॉक प्राइस पर आए, बट लेवल पर आ सकता है। इसके रेंज में भी आपको कहीं मिले तब आप ये स्टॉक में बाय करने का सोच सकते हैं। लेकिन द अदर थिंग इज दैट योर विजन शुड बी ऑफ लॉन्ग टर्म, आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है। व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म, दिस कंपनी इज वेरी गुड। लाइक आई हैव ऑलवेज मेंशनड, केमिकल सेक्टर इज हियर टू स्टे। आप खुद ही देखिए, जो हमारी डे टू डे लाइफ है, वी यूज केमिकल्स, देयर आर केमिकल्स एवरीवेयर। एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स जो केमिकल बनाती है उसमें तो ये एक मार्केट लीडर कहिए या एक मोनोपोली सेगमेंट को होल्ड करती है। नाउ लेट्स एनालाइज द क्वार्टरली रिजल्ट्स। सो द सेल्स वर डाउन from June quarter. When I compared it September quarter, the sales were down. It was 736 in June quarter, and in September quarter it is around 608. The expenses have increased, and if we see, the material cost has risen, which was 65% and is now 77%. So there has been increase in the expenses. Profit before tax has decreased. Now, agar dekhiye abhi inki profit margins, if you analyze, I have mentioned in previous videos also, the profit increase in the profit will always guide you ki company ka performance kaisa raha hai. Now, if we see ki iska jo net profit hai, quarter on quarter basis, there has been a massive decline in the profit. But if you analyze this quarterly results, like if you analyze the June quarter with the March quarter, you will realize that there has been a tremendous jump in the profit of the company. Aur isi ka reflection tha iske stock price se ki 200 rupees ka share 600 rupees ka ho gaya. Why? Because there was a massive jump in the profit. So market reacted positively. Ab jo aap dekh rahe hain ki jo 102 ka jo profit hua tha, wo ye quarter mein only 15 ka reh gaya hai. So काफी मैसिव डिक्लाइन है, तो आने वाले समय में ये स्टॉक में आप एक फर्दर डाउन मूव देख सकते हैं। जो सपोर्ट लेवल मैंने आपको मेंशन किया है, अगर कंपनी या स्टॉक ये सपोर्ट को लेवल को होल्ड करता है, तो फिर वहां से एक अप मूव आप देख सकते हैं। नहीं तो अगर मार्केट कंडीशंस और बेरिश रही, तो आने वाले समय में और भी गिरावट ये स्टॉक में हो सकती है। लेट्स सी द Combined sales growth in 3 years is around 9%. Combined profit growth in 3 years is 19%. ROE in 3 years is 16%. Reserves and borrowings. So well, the borrowings of the companies has reduced year on year basis, and the reserves have increased. Or काफी significant increase है when you compare from March 2020 to March 2021. Reserves have increased, which is very positive. देखिए, small cap की company है, borrowings कम है, reserves ज़्यादा है. Specialty chemical को belong करती है. These are very very positive points for this company. Yes, company की quarterly results अच्छे नहीं आए हैं, so आपका भी investment ये stock में accordingly ही होना चाहिए। Like I have mentioned, अभी ये सिर्फ small cap ही company है, it has a long journey and a long way to go before it becomes large cap. आप इसके हर quarterly results को analyze करिए, देखिए few quarters can be bad for any company, लेकिन consistently अगर company का performance बुरा हो रहा है, then you can reconsider your decision. Otherwise, it's a very good company when it comes to Lakshmi Organics. Let us have a look at its shareholding pattern. Promoters have a very good promoter holding of 72.92%, which has remained constant post the listing of the company. FIIs have reduced their holdings. DIIs have also reduced their holding, and public holding in this stock has increased. See, dekhe, like I've mentioned, this stock had given a tremendous rally from its bottom. So, थोड़ी बहुत profit booking FIIs and DIIs ने की है.
दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू सी अ डिक्लाइन इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न. बट जैसे जैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव होंगे यू विल सी दैट द एफआईआईज एंड डीआईआईज होल्डिंग विल इंक्रीज इन दिस स्टॉक. नाउ सिंस द पब्लिक होल्डिंग इज मोर एंड इट हैज इंक्रीज्ड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस द स्टॉक कैन कंटिन्यू टू रिमेन वोलेटाइल बिकॉज वेन एवर देर इज मोर ऑफ पब्लिक होल्डिंग ऑपरेटर्स आर जनरली एक्टिव इन सच स्टॉक्स. सो दिस वॉज माई कवरेज ऑन बोथ दीज कंपनीज. इन माई ओपिनियन बोथ रिलैक्सो फुटवेयर एंड Lakshmi Organics are good companies. If you are holding any of them, do comment, mention me that to me in the comment section. Do like, share, and subscribe to my YouTube channel for more such contents. You can ask me your queries in the comment section or simply follow me on Instagram. The link is in the description. You can DM me your queries there directly.